हेलो दोस्तों, अपना चटपटी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ गोभी के कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए रेसिपीज़ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ मैं गोभी के कलियों को निकाल लिया है, अब हम इसे फाइन ग्रेट कर लेंगे। तो गोभी फाइन ग्रेट हो चुका है, अब हम इसे स्क्वीज करके इसका एक्स्ट्रा वाटर को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे को स्क्वीज कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बेसन को ऐड करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, कटे हुए प्याज, थोड़ी सी ग्रीन चिली, सभी को मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। तो यह हमारा डो अभी भी गीला है, इसे सख्त करने के लिए इसमें और बेसन ऐड करेंगे। तो डो हमारा सख्त हो चुका है, अब हम इसका छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। तो सारे बॉल तैयार हो चुके हैं। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दो प्याज कटे हुए, एक टमाटर, दो ग्रीन चिली, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से अदरक। अब हम इसे एक जार में डाल देंगे। दो चम्मच के करीब मूंगफली दाने, इन सभी का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम सारे बॉल को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल हमें रखना है मीडियम हॉट। तो सभी बॉल फ्राई हो चुके हैं, दो चम्मच तेल यूज किया है। इसके बाद हम डाल देंगे जीरा, इसके बाद हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो मसाले तैयार हो चुके हैं, अब हम सभी बॉल्स को ग्रेवी में डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा यह गोभी कोफ्ते की रेसिपी तैयार हो चुका है। तो हमारा यह गोभी कोफ्ते की रेसिपी आपको पसंद आया हो तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह गोभी का कोफ्ता रेसिपी कैसा बना। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए रेसिपीज़ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।